हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुक विद अफशां। फ्रेंड्स, हम बनाने वाले हैं आज आलू के पराठे। तो गाइस, जिन्होंने नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, जल्दी से कर लें, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करें बेल आइकन को हिट, जिससे उनको मेरी सारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, चलिए हम फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो गाइस, मैंने यहाँ पे चार बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने बीच में से कट करके बॉयल कर लिया है। इसको हम मैश कर लेंगे एक मैशर की हेल्प से, इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम चॉप करे हुए कोरिएंडर, 6 से 7 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करा हुआ, उसमें मिक्स कर देंगे। ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। उसके बाद इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। नेक्स्ट इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जो कि है वो 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस सब चीज़ को हम आपस में मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा स्टफिंग तैयार करेंगे। याद रहे इसको आपको सूखा रखना है, ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है। पानी आपके अगर आलू में है तो आलू को एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन करें ताकि इसका पानी जो है वो सारा सूख जाए। या मैंने एक नॉर्मल सा डो तैयार किया है, सादा जो रोटी बनाने के लिए हम बनाते हैं ना, आपको कुछ अलग से इसके अंदर नहीं डालना है। नमक डाल के आपको गूंद लेना है। अगर आप सादा बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर लीजिए और एक नॉर्मल सी एक रोटी के बराबर की एक बॉल बना लीजिए। तो यहाँ मैंने एक रोटी से थोड़ी सी बड़ी ली। अगर आप रोटी छोटी बनाते हैं, मेरे यहाँ बड़ी रोटी बनती है, तो आप इस तरीके से इसको बड़ा हाथों से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमाते हुए बड़ा कर लीजिए ताकि ये स्टफिंग इसके अंदर आराम से फिल कर सके। तो ये देखिए, मैंने पूरे हाथ के बराबर की इस रोटी को बना लिया है। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब इसको हम बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इतना कि सारी स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाए। हमने रोटी थोड़ी बड़ी ली है इसलिए इसको हम बेल रहे हैं। अगर आप छोटी रोई बना रहे हैं तो इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हाथ से बड़ा करके इसके अंदर स्टफिंग फिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ा पराठा साइज़ का बनाना है तो मैंने इसको थोड़ा बेल लिया है। अब स्टफिंग हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतना अच्छा पराठा लगता है। तो यहाँ मैंने 2.5 यानी 2.5 चम्मच के करीब स्टफिंग रख ली है इसके अंदर। अब इस तरीके से मैंने इसको रखा सेंटर में और ये मैंने अपने पराठे की स्टफिंग को फिल करना स्टार्ट किया है। देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस किया है नीचे की तरफ और इस तरीके से कॉर्नर्स को अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया। सारे कॉर्नर्स को आपस में इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक पोटली बना के जिस तरीके से मोमोज बनाते हैं, कुछ उस तरीके से मैंने इसको दबा दिया है। अब इसको हम प्रेस कर देंगे और अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा आटा डस्ट करते हुए ड्राई फ्लावर हाथ से जितना चाहे आपका बड़ा हो सके। आपको एकदम से बेलन यूज़ नहीं करना है, आपको पहले इसको हाथ से फैलाना है। देखिए मैंने किस तरीके से इसको, ये देखिए मैंने इसको जिस तरीके से बड़ा किया है ना, आप इस तरीके से करिए। आपका कभी भी पराठा फटेगा नहीं, साइडों से निकल जाती है स्टफिंग, वो सब शिकायत आपकी सब इससे दूर हो जाएंगी। आपकी परफेक्ट पराठा बनके तैयार होने वाला है, देख सकते हैं। अब मैंने इसको हल्के हल्के हाथ से राउंड शेप में बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं मेरा पराठा, देखिए कितना राउंड बिल्कुल बन रहा है और इसके अंदर जो हमारी स्टफिंग है वो पूरे हर कॉर्नर के ऊपर बराबर आई है। तो ये नहीं कि कहीं पे आलू की स्टफिंग है, कहीं नहीं है, कहीं पराठा बिल्कुल प्लेन है, कहीं आलू की स्टफिंग वाला पराठा मिलेगा। तो इसके सारे कॉर्नर, सारे जो साइड्स हैं वहाँ पे आपकी स्टफिंग बराबर बैठ गई है। अब इसको हम डालेंगे गर्मा गर्म तवे पे। तो यहाँ मैंने तवे को गर्म करने रखा है। ये मैंने पराठा डाल दिया एक साइड से सिकने के बाद, दूसरा साइड हम टर्न कर देंगे। मतलब ये कि पराठा जो है एक नॉर्मल फ्लेम होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए, वरना एकदम डालते पराठा एकदम सिक जाएगा ना, अंदर से क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो यह मैंने पराठा एक साइड से सेक लिया, दूसरी साइड से पराठा हम सेकेंगे। तो यह तैयार हो गए दोनों साइड से पराठे मेरा।
अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। ये मेरा होममेड घी है जो घर में मलाई से मैंने रेडी किया है। बहुत जल्द मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने ये कैसे तैयार किया। तो यहाँ मैंने ये घी जो है इसके साइड्स पर, अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, जो ऑयल यूज़ करना चाहें, बटर भी यूज़ कर सकते हैं मैंने, लेकिन यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। एक साइड पर हम इसको अच्छे से लगा देंगे। ये मैंने देखी पराठा मेरा फूलना भी स्टार्ट हो गया है साइड से, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनने वाला है। सेम स्टेप से ये फॉलो करिए, आपका पराठा कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना साइड से इसकी स्टफिंग निकलेगी ना ये ख़राब, एकदम परफेक्ट पराठा बनेगा। अब हम दूसरी तरफ से भी इसके ऊपर घी लगा देंगे। आपको इस तरीके से केयरफुली अपने पराठे पे घी लगा लेना है। ये मेरा दोनों तरफ से पराठे पे घी अच्छे से लग गया है। इसको अब लो फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्प होने तक हम सेकेंगे। देखिए मेरा पराठा साइड से कितना अच्छा फूलने लगा ना। तो ये हमारा पराठे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने इसको इधर से सेका, अपनी लो फ्लेम रखना है आपको, ना तो हाई करनी है। तो देखिए मेरा पराठा कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म बटर के साथ सर्व करेंगे। तो गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय।